फिर से इसको हम समझें कि अब इंटरनेट की वजह से इंटरनेट मिला कहाँ? एटम के अंदर मिला। हमें वो शक्ति नहीं कि हम अपने विचार को यहाँ से कहीं भेज पाएं, एटम के अंदर के शक्ति का सहारा लेना पड़ा। तो किस माने में एटम हमसे कम है? इस तरह से तरह तरह के अनेक प्रकार के अब यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लेख, प्रवचन, स्पीचेस अवेलेबल है। जो देखिए वही खोज करके सुन रहा है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। इसका प्रभाव बढ़ेगा कि आप उस पर कितना चलते हैं। जिस पर स्वयं चलेंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आप कैसे लगते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे काम करते हैं, ये प्रभावित करेगा। इसे हम सब की जिम्मेदारी है, सच क्या है केवल उससे जुड़े, बाकी जो मायावी चीज़ें इग्नोर करते जाए। माया क्या है? ड्यूअलिटी, लाभ हान, सुख दुख, हल्कापन भारीपन, ये सब माया है। पाप और पुण्य, ये सब माया है। और सच क्या है? यानी जितनी भी रचनाएं हैं ब्रह्मांड में, सब रचनाएं परमात्मा सबको आच्छादित किए, सबको घेरे हुए हैं, उसी पर बैठे हुए हैं। जब परमात्मा किसी पर बैठे होंगे तो उस रचना में परमात्मा का गुण होगा। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, एटम के अंदर से मिली हुई शक्ति बताती है, देखो सर्वव्यापकता है। जो हम बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, या जो अपना रूप है, हर जगह पर है ये। अगर टेलीविज़न चैनल में आप कोई चीज़ बोलिए तो दुनिया के किसी भी जगह से देख लीजिए, तो कैसे आप एटम की महिमा कम करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। अपने अंदर जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं, इसका कारण क्या है? अपने स्वरूप में जो परिवर्तन प्रकट होते रहते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो परिवर्तन था क्या? वो न्यूट्रिशन था, वो दवा थी, वो शक्ति थी, वो ज्ञान थी, हमने उसको लिया ही नहीं, छोड़ते गए। तो उसका परिणाम क्या होगा? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब होगा। चलो अगर हुआ है तो क्या करें? आज से हम शुरू कर दें, पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक सब जगह एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अपने में और एकाग्र हो जाएं। जब एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे अपने स्वरूप में, तो जो अनुभव हो उसको स्वीकार करिए। नहीं स्वीकार कर पाते हैं तो भ्रूमध्य साधना, मन को भ्रूमध्य पर लगाइए, जीवा पीछे उलट करके रखिए, शरीर कहाँ है अनुभव करिए, कड़ा ढीला करके अनुभव करिए। तो जो परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उसे स्वीकार करें। ये सच है, इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है। आप हमारे भाई घर के हैं, वो नहीं है, ये सच नहीं है। पूरी दुनिया एक घर है। अब पता चला कि जो नज़दीक के हैं प्रॉब्लम तो वही करते हैं, जो बॉर्डर पर राष्ट्र हैं प्रॉब्लम वो करेंगे। अमेरिका तो आके यहाँ कब्जा करेगा नहीं, सऊदी अरबिया भी नहीं करेगा, ईरान इराक भी नहीं करेंगे। तो बॉर्डर वालों से ऐसी मित्रता हो, प्रॉब्लम हो ही ना। जब अपने घर में हमारी मित्रता नहीं है, भाइयों में नहीं है, परिवार में नहीं है, तो बाहर मित्रता संभव नहीं है। तो कैसे मित्रता का हम एक शक्ति बढ़ाएं? तो सिर से पैर की उंगली तक ये परम मित्र है ये। अगर इस मित्र को भूल जाते हैं, जो पैर आपके साथ है, हाथ आपके साथ है, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये आपके साथ है ये। जब पैर की उंगली से सिर तक ये जब साथ है ये, हम इसको भूल जाते हैं, इससे मित्रता निभा ही नहीं पा रहे हैं, तो पड़ोसी से मित्रता नहीं होने वाली।
पड़ोसी दो तरह के होते हैं, घर के परिवार के लोग हैं जो इस शरीर से अलग हैं, इसमें नहीं है, या और दूर हैं, पास पड़ोस के घर हैं। पड़ोसी दो तरह के हैं, एक जो घर में रहते हैं, एक जो अन्य घरों में रहते हैं। तो जब तक हम अपने से प्रेम नहीं करेंगे, जो निकट के पड़ोसी परिवार में, उनसे भी नहीं होगा, याद रखिएगा। आज आवश्यक है पूरा परिवार एकजुट हो। जब परिवार एकजुट होगा तो हमें ज्ञान होगा कैसे समाज को एकजुट करें। देखिए, जब पेड़ बढ़ता है तो जड़ को नहीं छोड़ता है, तो ऐसे हम, परिवार, समाज और राष्ट्र, विश्व ऐसे होता है। हम सबको इग्नोर करके, छोड़ करके हम कहीं और चले जाएं, हिमालय पे हम दुनिया की रक्षा करेंगे, ऐसा तो कोई एग्जाम्पल मिला ही नहीं, जो हिमालय में जाके बैठा हो और सबकी रक्षा कर दे रहा हो। हमको तकलीफ होगी, चोट लगेगी, भूख लगेगी, तो आपसे मदद मिलेगी, हिमालय वाले से नहीं मिलने वाली। तो इस सच को पकड़िए, पैर के उंगली से सिर तक आपका निकटतम मित्र है ये, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसकी अनुभूति अच्छी नहीं लगती है तो इसको थकावट ना कहिए, इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए। जब घृणा होता है, घृणा क्या है, अराग द्वेष क्या है, या राक्षसी प्रवृत्ति है, तो राक्षसी प्रवृत्ति को अपने मिलाने के लिए सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखिए, शरीर में और एकाग्र हो जाइए। ऐसे अभ्यास करते जाइए, श्वास अनुभव करते जाइए, तब अपने से जुड़ते जाएंगे, नहीं तो अपने से जुड़ नहीं पाएंगे। सोचिए कि क्रिया योग कितने लोग करने वाले हैं, भारत में ही, सैकड़ों में नहीं है, लाखों में है। तो अगर इतने लोग क्रिया योग कर रहे हैं तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ठीक से करने की आवश्यकता है, तो पहले ठीक से हम करने की जिम्मेदारी ले लें, हम कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारे साथ वाले अपने आप करें। आज से हम दिन भर सोच लीजिए, जो खाना खाते वो भी भगवान का रूप है, स्वाद भी है, जिस हाथ से खाते ये भी है, जो मन स्वाद लेता वो भी है। तो जब आप अपने को खाना खा रहे हैं तो उसी में इंगेज रहिए। जब प्रत्येक स्वाद की अनुभूति करके खाइए तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। मुँह में खाना रखे, स्वाद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट निगलते गए तो ओवर ईटिंग करेंगे आप। कोई कोई शौक में कहते, देखिए मैं 2 मिनट में खाना खा लिया, ऐसा नहीं है, आप उसे जुड़ करके खाइए। इस तरह से अपने अस्तित्व का सम्मान करिए, जीवा है तो स्वाद लेती सम्मान करिए, स्वाद लीजिए। जीवा जितने तरह का स्वाद लेती सब आवश्यक है। ऐसे आँख दिखती है तो इसे दृश्य का सम्मान करिए। अब किसी दृश्य को कह दिया ठीक नहीं है तो उसे आँख खराब होगी। कान है, सारी आवाज़ों का सम्मान करिए। केवल चापलूसी वाली आवाज़ ही अच्छी लगेंगे, डांटने वाली नहीं, तो कान खराब होगा। इस तरह से इसका प्रयोग हमको अपने ऊपर करना है, हम लोग अपने ऊपर करते जाएं। हम अपने को कैसे ऑनर करें, कान का ऑनर कैसे करें। कान का काम है सुनना। अब कोई आदमी चापलूसी की बात कर रहा है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, कोई आदमी निंदा कर रहा है, अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो हम कान बंद करते हैं, भाई नहीं सुनना है, या चले जाते, नहीं सुनिए। कानों का जो काम है सुनना, अगर सुनता है तो उसको ऑनर करिए और मन को ट्रेनिंग दीजिए कि आप राग द्वेष मत करिए, आप अप्रभावित रहिए। यानी कि जो मात्रा स्पर्श स्थितिक्षा तप, मात्रा कहते हैं, जैसे आवाज़ को मात्रा कहते हैं, जो देखते हैं उस वस्तु को मात्रा कहते हैं, उससे जो स्पर्श होता है हमारा, मन जो छूता है, उसका अभ्यास करिए। तितिक्षा, सभी आवाज़ें अच्छी हैं, एक नहीं। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, आके कुत्ता यहाँ भौंकने लगे तो हम लोग अपने अभ्यास की आवाज़ को सुने, उसको इग्नोर कर दें।
लेकिन ये सब चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि ये पता है कुत्ते की आवाज़ क्यों डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, हम अपना स्वागत कैसे करें, सम्मान कैसे करें, इसको सीखिए और करते जाइए। याद रखिए, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन उड़ता है, उसकी बहुत वैल्यू है। वही मिलकर के पानी हो गया, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नेचर बदल गया, उनके अंदर प्रेम करने के सामर्थ्य और आ गई। फिर वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन पेड़ पौधों के रूप में हुआ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब रूप में हुआ, तो उसकी क्षमता और बढ़ गई। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एनिमल्स में हुआ, उसकी क्षमता और बढ़ी। हम लोगों में हुआ तो उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई, उसके गुण बहुत हो गए। तो सिर से पैर की उंगली तक सारे अणु परमाणु इस रूप में हैं। जब इसको प्रेम करते हैं तो सभी अणु परमाणुओं का प्रेम हो जाता है। इसलिए क्रिया योग ध्यान में पैर की उंगली से सिर तक अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए और जितनी अनुभूतियाँ होती है उसकी निंदा न करिए। यहीं से हम अपना सम्मान करना शुरू करें। जब तक अपना सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे की निंदा सुनने में बड़ी रुचि होगी। दूसरे की प्रशंसा सुनने में रुचि होनी चाहिए, निंदा नहीं। चलो कोई निंदा करता है तो क्या करेंगे, इग्नोर कर दीजिए या उसको कन्विंस कर दीजिए ठीक नहीं है। अगर कन्विंस कर सकते तो उसका जीवन बदलेगा, और अगर उसको नहीं चेंज कर सकते तो इग्नोर कर दीजिए। इस तरह से राष्ट्र की रक्षा होगी। जब हम लोग तैयार होंगे, वरना राष्ट्र की रक्षा शासन प्रशासन से संभव नहीं है। क्रिया को फैलाने के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं लगा, महावतार बाबा लगे, ये लोग लगे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जब महावतार बाबा की प्रविधि ये क्रिया योग ये सहायक होगी। इसको आप लोग कर रहे हैं, इसको खूब मनोयोग से करिए। बस अब हम लोग सजग हो जाएं कि हमें जिस चीज़ को ऑनर करना है पहले उसकी अनुभूति तो करें। तो पैर की उंगली से सिर तक इस अस्तित्व की अनुभूति करते रहिए। चलो अनुभूति कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्या होती है, एक प्री कंसीव्ड आइडिया है कि हमें इस तरह से अनुभव करना है। हम अपने एकाग्र हों तो ये अनुभव होगा, इस शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। शांति और ज्ञान पता ही नहीं है क्या है, इसे उसको आप समझ नहीं पाएंगे। बस सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ा करके अनुभव करते जाइए। बस जो अनुभूति उसको स्वीकार करिए। इतना भर याद रखिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, उसको आनर तभी होगा जब पैर के लेकर के सिर की उंगली तक हर अंगों में महान शक्ति जग जाए। इसलिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़नी नहीं है। पैर की उंगली से लेकर के सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। इस चीज़ को आज याद रखिएगा। टाइटल रिमेंबर दिस टुडे, लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन, दैट डिवोशन इन क्रिया योग मेडिटेशन व्हिच इज साइंस, हाउ टू ऑनर सेल्फ, हाउ टू ऑनर ऑल क्रिएशंस ऑफ कॉस्मोस। क्रिया योग में अपनी भक्ति बढ़ाएं। इसमें हम सीखते हैं कि अपने अस्तित्व का स्वागत कैसे करें, ब्रह्मांड की सारी रचनाओं का स्वागत कैसे करें। अब हम बैठेंगे। नाउ रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। This is for now.